साइन आप इवॉल्व हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि वी हैव टू बी बेटर पर्सन, वी हैव टू इवॉल्व आवर सोल। हम बेटर पर्सन बन गए हैं, हमारी सोल इवॉल्व हो रही है। ये जानना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हैं। ये हमें बाहर से कोई बताने नहीं आएगा, पर आज मैं कुछ साइंस बताना चाहती हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि क्या आप वाकई में इवॉल्व हुए हैं, बेटर पर्सन बन रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे साइंस डिस्कस ना करके कुछ ऐसे सॉलिड साइंस मैं बताना चाहती हूँ कि जिससे आप इनको रोज याद करते रहें और जहाँ ज़रूरत हो आप अपने आप को चेक कर सकें। तो चलिए जानते हैं क्या है वो साइन जिससे आप जान पाएं कि आप एक बेटर पर्सन बन रहे, आपकी सोल इवॉल्व कर रही है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ हमें यहाँ पर फ्री नहीं मिलता, अच्छा बनने के लिए भी हमें सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, है ना। साइन नंबर वन, आपके बहुत से फ्रेंड्स आपसे अलग होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं, वो भी एक लेवल अप जाते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। तो लो वाइब्रेशन से जो ऑपरेट करते हैं लोग, धीरे धीरे आपको समझ नहीं पाते, जिस कारण आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स आपसे किनारा कर लेते हैं। यू हैव टू लेट गो टू सम फ्रेंड्स, दोज आर वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होने लग जाती है। गॉसिप में, लेग पुलिंग में, बैक बाइटिंग में आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते, इसलिए फ्रेंड्स आपसे दूर होने लगते हैं। तो ये था फर्स्ट साइन कि आपकी सोल इवॉल्व हो रही है एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन डे बाय डे। साइन नंबर टू क्या है, किसी बात को लेकर उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा जैसा पहले आप हर एक छोटी बड़ी बात को लेकर एक्साइटेड हो जाया करते थे। किसी की शादी फिक्स हुई, कहीं घूमने का प्रोग्राम हुआ, कहीं जाना हुआ, कोई आपको गिफ्ट देकर गया, या फिर शॉपिंग ही क्यों ना हो, बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाते थे पहले। पर अब आप कैलकुलेटिव बन जाएंगे। यू आर नो लॉन्गर टू टेक एक्शंस और स्टेप्स, बट यू सिट बैक एंड थिंक अबाउट द आउटकम। अब आप सोचने लगेंगे कि क्या ये आपके लिए जरूरी है, क्या शादी को अटेंड करने जाना जरूरी है, क्या शॉपिंग में जाके ढेर सारे पैसे खर्च करके ये एक ऐसी ड्रेस खरीदने की जरूरत है जिसको कि सिंपली एक दिन आप बस पहनेंगे, उसके बाद वार्डरोब में रखा रह जाएगा। अब आपको पार्टी में जाना उतना नहीं पसंद आएगा, कोई नई कॉस्टली ड्रेस या ज्वेलरी यहां तक कि खरीदना उतना आपको अब मन नहीं जाएगा, कोई नया गैजेट बस इसलिए खरीदना क्योंकि वो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से पहले, और छोटी बड़ी बातों से इतने एक्साइटेड नहीं होंगे। साइन नंबर थ्री, आप एक इवॉल्व सोल आप बन रहे हैं, आपकी सोल इवॉल्व कर रही है एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन डे बाय डे। पहले जिन चीजों में इंटरेस्ट लेते थे उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होने लगेगा। जैसे पहले अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना वहां पे जाके पसंद था, पहले अगर आप फास्ट फूड के दीवाने थे, बर्गर, पिज्जा, यू नो, चाउमीन, पहले अगर रैश ड्राइविंग पसंद थी आपको, पहले अगर चाइल्डिश बिहेवियर करना आपको अच्छा लगता था, जैसे किसी बात की जिद करना, अपनी मनमानी करना, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका इंटरेस्ट अब बिल्कुल इन चीजों में नहीं रह जाएगा। नो फास्ट फूड, नो कैंड ड्रिंक, नो रेस्टोरेंट, कभी कभार हो सकता है जाएं, लेकिन एक रूटीन में अब वो नहीं रहेगा रेस्टोरेंट जाना कि हर संडे या हर वीकडेज में हम चलते बने, ऐसा अब नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या हो गया है। समटाइम्स यू कैन फील सैड इवन, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर बी एन ईजी प्रोसेस, क्योंकि आपको खुद पे लगेगा कि कितना पसंद करती थी या करते थे ये सारी चीजें आप, अब आपको हो क्या गया है। कभी कभी
लगेगा कि कितना बदल गए हैं हम। तो क्योंकि लोगों लोग भी कहते रहते, फैमिली मेंबर्स का भी यही डिस्कशन चलता रहता है कि कितने बदल गए हैं या बदल गई हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत सैड एनर्जी भी रहने लगती है कि हाँ कहाँ क्या कहाँ से हम इतना चेंज हुए हैं। बट आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब धीरे 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 आप उसके साथ अकस्टम होते जाएंगे, आप इसके साथ इजी गोइंग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में अब आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर से अब आपने फास्ट फूड खाना चालू कर दिया, देखा देखी नहीं, आपसे हो ही नहीं सकता। हो सकता है एक दो स्पून या एक दो बाइट आपने ले ली चाउमीन या पिज्जा की, लेकिन ऐसा नहीं कि बस आप फिर से उस रूटीन में लौटने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन किसी की हो जाए तो एक बार सोल इवॉल्व हो जाए तो फिर से वो नीचे नहीं गिरना चाहती। एक बार अगर कोई इंसान बेटर पर्सन बन गया तो फिर से वो उसी पहले वाली जो जिंदगी थी या पहले वाली जो उसकी पर्सनालिटी थी उसमें फिर से नहीं एडजस्ट कर पाता है। साइन नंबर 4 क्या है? आप बदल रहे हैं, आपको अपने फ्लॉज दिखेंगे जरूर, पर अब आप उनको लेकर बैठे नहीं रहेंगे। एवरी लिटिल थिंग्स यू फील यू हैव डन रॉन्ग नाउ नो मोर कीप्स यू स्टक। पहले क्या होता था, या तो आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते थे। देखिए एरर इज ह्यूमन नेचर, तो गलतियां ह्यूमन से होंगी ही। तो आप अपनी पहले अगर गलती मानना नहीं चाहते थे, एकदम अड़े रहते थे, नहीं मैंने तो गलती किया ही नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, तो सामने वाले की गलती है। दूसरों पे अगर जानते हुए भी कि हाँ गलती हुई है, दूसरों पे दोष देना ठीक लगता था, तो उसी बात को सोचकर आप परेशान भी हो जाया करते थे कि मेरे ऊपर दोष क्यों आया, क्यों मैं अपनी दोष मानूं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपसे ऐसी बात नहीं कि अब गलती आपसे नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ी बहुत गलती होगी अभी भी, लेकिन अब आप उस फेज से निकल जाएंगे कि दूसरे के ऊपर गलती, अपनी गलती की किस ट्रिक्स यूज करके दूसरे के ऊपर कैसे दोष डाला जाए, आप ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपसे गलती क्यों हुई, इन दोनों ही सूरत में आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपसे गलती हुई तो आप उसी टाइप की गलती आप फिर से रिपीट करते थे। क्यों? क्योंकि आपने उस गलती को माना नहीं था, आपने अपनी गलती की दोष किसी और को के ऊपर आपने दिया कि नहीं मेरा नहीं, सब सारा दोष उसका है या उसकी वजह से ये चीज हुआ है, तो आप फिर से उसी गलती को करेंगे। जब हम गलती स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, तभी हम उस टाइप की गलती को फिर से दोहराते नहीं है, उस टाइप की गलती को फिर से हम अपने लाइफ में फिर से कभी रिपीट नहीं होने देते। इसलिए अब आप सीखते हैं, अब आप सीखने लगते हैं, बल्कि लाइफ में आगे बढ़ते हुए उन गलतियों को ना दोहराते हुए जिंदगी को फिर से एक नया मौका देते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू डिड एनी रॉन्ग नेवर लेट योर सोल टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन एज वेल, डोंट स्टक इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। आप बस इतना समझाइए अपने आप को कि अब आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम किसी को एक या दो बार ही माफ कर सकते हैं, है ना, बार बार नहीं माफ कर सकते। एक ही गलती के लिए बार बार क्या आप किसी को माफ कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह हमें भी कोई बार बार माफ नहीं कर सकता। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई भूल से भी भूल ना हो, गलती ना हो। तो ये थे 4 साइन जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्या आपकी सोल इवॉल्व कर रही है, क्या आप एक बेटर पर्सन बन गए हैं, जो कि एक आम इंसान को भी जरूरत है। ऑटो इन्फ्लेम जर्नी में तो बिल्कुल जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी में बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज ट्विन फ्लेम गाइड। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड या ट्विन फ्लेम रिलेटेड, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, या कुछ इस तरह की अगर गाइडेंस, या लव रिलेटेड, या अगर करियर रिलेटेड आपको कुछ पर्सनल रीडिंग लेना हो, आप मेरे दिए गए नंबर जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही कॉन्टैक्ट मीन्स आप मुझे मैसेज करिएगा, मैसेज करके आप फीस जान सकते हैं, क्योंकि पर्सनल सेशन में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो ये फी इसमें फीस लगता है, फ्री नहीं होता।
इस बात का ध्यान रख के ही आप मैसेज मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप चाहें तो। साथ ही मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे व्यूवर्स, मेरी सोल फैमिली, मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है रूपाली रेमेडीज, जो कि मैंने करीब एक महीना हुआ शुरू किया है। प्लीज उसे भी अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना इसी तरह से प्यार, उसी उसमें भी मुझे आपके आशीर्वाद की बेहद जरूरी है। उसमें मैं एस्ट्रो, नेमरो एंड वास्तु को कवर करूंगी और वो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन रहना तो आपको हमको 3D वर्ल्ड में ही होता है। इसलिए डे टू डे लाइफ के जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो कुछ उपाय हैं या एस्ट्रो रिलेटेड, ये सारे समाधान मैं उसमें आपको देने की कोशिश करूंगी। प्लीज उस चैनल को भी देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।